Hello students, I hope you are well at your home. So today we'll start a new lesson, lesson number 8, Skipping Shoes. Have you ever read the stories of magical carpets or magic trees or magic lamps or wands? I hope you have read. If you have not, then please listen this story. Come on, page number 100. Kitty is a little girl who does not obey her parents. One day, she puts on a pair of magic shoes and strange things start happening. Read this fascinating story by Louisa May Alcott to find out if Kitty is able to change her ways. Kitty एक बच्ची है जो कि आप ही लोगों की तरह है, तो वो अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानती थी। एक दिन क्या होता है कि वो पेयर ऑफ मैजिक शूज पहन लेती है और बहुत स्ट्रेंज थिंग्स होता है। इस फैसिनेटिंग स्टोरीज आपको पता ही है कि फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, है ना। तो ये एक आकर्षक स्टोरी है जो कि लुइसा मे एल्कॉट के द्वारा लिखी गई है, और हम लोग देखते हैं कि क्या इस स्टोरी में ये पता चलता है कि बाद में वो अपना वेज जो है, तरीका जो है, चेंज करती है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, that you have to take your pencil and just underline all the hard words, okay? Now let's start. Once there was a girl named Kitty who did not want to do what people asked her to. एक बार एक लड़की होती है जिसका नाम किटी होता है, उसको कोई भी कुछ भी बोलता था तो वो काम करना चाहती ही नहीं थी। Instead, she grumbled, I won't, I can't. वो इसके बदले में क्या करती थी कि ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेन, बट यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वो शिकायती अंदाज में हमेशा कहती थी आई वोंट एंड आई कांट, मैं नहीं कर सकती। वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन देन हर मदर कॉल्ड, किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर। एक दिन क्या होता है कि उसको पेयर ऑफ शूज मिलता है, शाइनी शूज, न्यू शूज मिलता है। कौन देता है? उसकी मम्मा देती हैं। एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन देन हर मदर कॉल्ड, बहुत मुश्किल से किटी उसको पहनती है। बेयरली मीन्स मुश्किल से किटी पहनती है, और तभी उसकी मम्मी उसको आवाज़ देती हैं, किटी जाओ और कुक से बोलो कि पाई बनाने के लिए, रात के भोजन के लिए। पाई मीन्स एक स्टफ मटेरियल करके, और कचौड़ियाँ होती है, चाहे समोसे, कुछ भी आप स्टफ कर सकते हो, और वो जो बनता है उसे कहते हैं पाई। यहाँ पे इसका मतलब कचौड़ियाँ ही है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू वाइंड किटी एज यूजल, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती हूँ करना। वाइंड किटी, जैसे वो बोलती थी हमेशा उसी तरह से फिर से वो बोलती है खुसफुसा के। बट द शूज गेव वन जम्प and swept her downstairs into the kitchen. लेकिन क्या होता है कि जो शूज़ वो पहनी होती है ना, उसके चलते वो एक बार जंप करती है, और वो जो है शूज़ है वो उसको खींच कर, और swept means बहा कर, लेकिन यहाँ पर होगा खींच कर, है ना। तो खींच कर डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे की सीढ़ी की तरफ ले जाता है और किचन में उसको पहुँचा देता है। ब्रीथलेस शी गेव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज़, वो बिना सांस लिए वो पहुंचती है और ये बात वो देखती है कि ये क्या है। मैसेज तो दे दी वो कुक को, लेकिन वो देखती है कि सॉरी कि वो घूरती है, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, वो ऐसे एकटक से देखती है अपने शूज़ को। देयर ब्राइट बटन्स सीमिंग टू विंक एट हर, उसके जो ब्राइट बटन्स थे ना शूज़ के, ऐसा लग रहा था जैसे टिमटिमाते आँखों से उसको देख रहे हैं। जस्ट देन हर फादर सेड, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स, तभी उसके पापा ने उसको आवाज़ दिया और कहा किटी आप पोस्ट ऑफिस जाओ स्कूल जाने के पहले और मेरे लेटर्स ले आओ। आई कांट स्टार्टेड किटी, बट अवे वेंट द शूज ट्रॉटिंग ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट, वो जैसा कि बोलती थी उसी तरह से बोलती मैं नहीं कर सकती। लेकिन तभी क्या होता है कि शूज जो है उसको खींचते हुए
नीचे ले जाते हैं स्ट्रीट पे, मतलब सड़क पर, ठीक है, वो फिर खींची चली जाती है सड़क पर शूज की वजह से. आई टेक दिस हॉरिड शूज ऑफ एज सून आई गेट होम. वो बोलती है कि मैं ये डरावने शूज जो हैं इनको मैं जितना जल्दी हो सके घर जाकर निकाल दूंगी. सेड किटी टू हरसेल्फ एज शी टुक द लेटर्स. वो बोलती है अपने आप से और लेटर्स लेकर के जाती है. सुन शी केम टू अ ब्रिज वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप एंड वॉच अ बोट फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर्स. बहुत जल्दी क्या होता है कि वो ब्रिज के पास पहुंच जाती है लेटर्स कलेक्ट करके, और वहां पे क्या करती है, सो चाहती थी वो कि वहां पे रुक जाऊं और बोट को देख रही होती है, ब्रिज के नीचे जो बोट जा रहे थे ना नदी में, उसको वो देख रही होती है और भूल जाती है अपने स्कूल और अपने पापा के लेटर्स को. बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग ऑल दो किटी हेल्ड ऑन द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड. वो क्या होता है कि शूज जो है वो उसको, हालांकि वो शूज जो है वो तो उसको पकड़ी थी रेलिंग को, बहुत जोर से पकड़ी थी, हालांकि वो रेलिंग को बहुत अच्छे से पकड़ी थी. ऑल दो मीन्स होता है हालांकि, ठीक है, जितना हार्ड हो सके वो उसको पकड़ लेती है, लेकिन जो शूज है वो उसको ले जा रहे थे. फाइनली शी गेव अप एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली होम. लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो क्या हार मान जाती है, वो रेलिंग एकदम जोर से पकड़ी हुई थी, जितना जोर से हो सके कि वो नहीं जाए, लेकिन शूज की वजह से वो खींची चली जाती है और लास्ट में वो हार मान जाती है और देखती है अपने आप को, धीरे धीरे वो घर की तरफ पहुंच गई. बैक होम किटी फाउंड दैट नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड द शूज जस्ट वुडंट कम ऑफ. लास्ट में वो जब घर आती है तो वो देखती है, एक बात तो ध्यान में देती है कि कोई बात नहीं है, मैंने कितना भी कोशिश किया, कितना भी जोर से मैं पकड़ी थी रेलिंग को, फिर भी वो तो स्विफ्टली वहाँ से घर पहुँच ही जाती है, लेकिन अभी वो जितना भी जोर से चाह रही थी कि शूज़ निकल जाए, लेकिन वो शूज़ नहीं निकल पा रहा था. टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मम्मा फ्रॉम अपस्टेयर्स. उसकी मम्मा ऊपर से आवाज़ देती है कि अब स्कूल का समय हो गया है. बिफोर शी कुड से आई वोंट द मैजिक शूज whisked her off to school. अभी वो बोलना ही चाह रही थी कि मैं नहीं जा सकती, चाहे मैं नहीं कर सकती, तो उसी समय क्या होता है कि मैजिक शूज जो है उसको फिर से whisked her off, मतलब खींच करके और स्कूल की तरफ ले जाते हैं. एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कोब्स शी हैड बिल्ट एंड मेड किटी एंग्री. इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रेक टाइम होता है स्कूल में, रिसेस होता है ना, तो एक बच्ची जो है वो कॉर्न कॉब्स का मतलब होता है भुट्टा, ठीक है, मकई आप लोगों ने देखा ही होगा. तो उससे एक लड़की क्या होता है कि जो किटी है वो बनाई थी मकई से, भुट्टे से घर बना रही होती है, तो एक लड़की आती है और उसको घर को नीचे गिरा देती है जो कि वो बनाई होती है, और किटी उसके लिए गुस्सा हो जाती है.